मार्वल ने एक काफी मुश्किल चीज करके दिखाई, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लेके आया एमसीयू में। फैंस इतनी ज्यादा इतने सालों से उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो एज आयरन मैन वापस आएंगे या फिर उनका कोई एक वेरिएंट, लेकिन दोनों में से कोई नहीं, बिकॉज द डैडी ऑफ एमसीयू रिटर्न्स एज अ बैडी फ्रॉम द मेन हीरो टू डायरेक्टली द मेन विलन ऑफ एवेंजर्स। और ये न्यूज सुनने के बाद मेरी तरह आप लोग भी सबसे पहले तो एक्साइटमेंट में बावड़े हो गए होंगे, लेकिन फिर थोड़ा रुककर इसके बारे में सोचने जाओगे तो क्या इकलौता डिसीजन डीजे की लेगेसी जो उन्होंने एंड गेम तक बनाई थी एज आयरन मैन इन द एमसीयू वो खराब हो सकती है? एक्चुअली रिस्क बहुत बड़ा है, और जब मैं इसके बारे में सोचने लगा तो कुछ एकदम क्लियर ऑब्वियस रीजंस मुझे सामने दिखाई दिए, जिसके कारण अगर हमने एक्सट्रीम लेवल वाले एक्सपेक्टेशंस लगा लिए तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वो रीजंस अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक हफ्ते बाद इस टॉपिक को छूने का मन किया क्योंकि लोग हाइप ट्रेन में बैठ के जो तेजी से चल रहे थे, पहले बना देता तो पिल जाता। और थोड़ा शांति से सुनना। शुरुआत करते हैं एक छोटा सा रीजन, छोटा सा डाउट कि वो राइटर क्यों नहीं आया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एमसीयू में आना ऐसा अनाउंसमेंट इज अ बिग न्यूज। उनकी अगली दोनों मूवीज को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले इज अ बिगर न्यूज। और साथ में ये चीज ऐड करना कि वो लोग फिर से इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के राइटर्स ला रहे हैं, परफेक्ट। बट मैंने थोड़ी देर पहले राइटर्स बोला वो गलत है, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्कस इज नॉट रिटर्निंग। स्टीफन मकफीली सोल राइटर होंगे दोनों एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। सोल राइटर का मतलब उनकी पूरी टीम जरूर होगी, लेकिन हेड इकलौता इंसान। ये चीज मुझे थोड़ी और जरूर लगी क्योंकि जिन दो लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ वो एक साथ काम कर रहे हैं 2004 से। बहुत सारी मूवीज और कुछ टीवी शोज भी इन्होंने साथ में मिलकर लिखे हैं। नार्निया, थॉर, एजेंट कार्टर, द ग्रे मैन, यही दोनों राइटर्स की जोड़ी ने अपने को कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम दी है दोनों ने। वही दोनों राइटर्स में से एक का आना और दूसरे का नहीं आना आज में भी उतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये पोटेंशियली डिफरेंस हो सकता है गुड और बेस्ट के बीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो अपनी आंखों के सामने बहुत ज्यादा ऑब्वियस है लेकिन ज्यादा लोग उस तरफ देख नहीं रहे, चेंज इन पावर डायनामिक्स। डायनामिक होता है, डायनामिक्स होता है। देखो हम सबको पता है कि एमसीयू के अंदर एक ही बॉस है मार्वल, और उसमें भी केविन फाइगी। स्टूडियो जो चाहे वो कर सकता है, कितनी बार उसने अपनी मूवीज चेंज करी है, रीशूट करे हैं, जब तक उसको पसंद नहीं आ जाता। उसके सामने राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स उतना वेट होल्ड नहीं करते। पास्ट में कई बार अगर उनकी नहीं बनी है तो उन्होंने डायरेक्टर्स बीच में से निकाल दिए, क्योंकि उनके पास वो पावर है करने की। आरडीजे का अनाउंसमेंट होने के बाद ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद ये डिमांड रखी थी कि वो एमसीयू के अंदर तभी वापस आएंगे अगर उनकी मूवीज के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स होंगे। तो मार्वल ने वही इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के डायरेक्टर्स को वापस लाया। छोटा सा नोट कि ये दोनों भाई खुद इंटरेस्टेड थे सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने में, लेकिन शायद एमसीयू में ये पहली बार हो रहा होगा जहां पे एक्टर ने डायरेक्टर के लिए डिमांड करी और वो पूरा हुआ। और अगली चीज मुझे शब्दों में बताने की जरूरत नहीं कि आज के टाइम पे आरडीजे और यही रूसो ब्रदर्स का क्या रोला रुतबा है एमसीयू की बात अगर हम लोग करें तो। स्पेशली कंसीडर करो एंड गेम के बाद वाला सिचुएशन जहाँ पे मार्वल डाउन जा रहा है, तो इन लोगों को वापस लाने वाली न्यूज थोड़ी फील हुई कि हाँ वो लोग पूरा अटेम्प्ट मार रहे भाई पहली वाली चीज रिक्रिएट करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर्स और एक्टर्स की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ी है। सोचो अगर गलती से स्टोरी या फिर प्रोडक्शन को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया, क्रिएटिव डिफरेंसेस जो कि आजकल वैसे बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्वल के अंदर, और क्योंकि आरडीजे रूसो ब्रदर्स के पास आज ज्यादा लेवरेज है, ये पॉसिबल टसल अपने को एक नॉट सो आइडियल आउटकम दिला सकती है। मेरी बात से अगर तुम उतना ज्यादा अग्री नहीं करते हो तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि हाउ मच मार्वल इज बेंडिंग डाउन। वही रूसो ब्रदर्स जो कि आने वाली दोनों एवेंजर्स मूवीज डायरेक्ट करेंगे, वो सिर्फ डायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि प्रोड्यूसर्स भी हैं। और सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं है बल्कि वैरायटी की इस रिपोर्ट के हिसाब से वो लोग ये दोनों एवेंजर्स मूवी अपने ही प्रोडक्शन हाउस के थ्रू बनाने वाले हैं। और मार्वल ये चीज टिपिकली करता नहीं है, सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके इन हाउस होते हैं, पूरा क्रिएटिव कंट्रोल। भले ही दोनों भाई अपनों जैसे हो लेकिन फिर भी एक बाहर की कंपनी को देना क्रिएटिव कंट्रोल में फिर से वही पावर बैलेंस वाली बात हो जाती है। ये पॉइंट भी अगर तुमको थोड़ा अलार्मिंग नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट ले लो, पैसा, मनी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सोचना कि आरडीजे को वापस लाने के लिए उन्होंने दुनिया भर का पैसा दिया होगा, जितना वो 5-7 साल पहले लेते थे उससे तो डेफिनेटली ज्यादा। कुछ रिपोर्ट्स इंटरनेट पे कह रहे हैं कि दोनों एवेंजर मूवीज के लिए $80 मिलियन प्लस एक एक्टर के पीछे। और देखो भले ही कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है, उनके पास अनलिमिटेड मनी स्पेंड करने का ऑप्शन नहीं होता, हर किसी को लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी मूवी बना रहा है तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रियलिटी यही है कि फिल्म मेकर्स के ऊपर सूट बूट में एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं जिनका सिर्फ पैसा चाहिए। अगर
कारण को लगता है कि द कॉस्ट इज टू मच, तो इट इज टू मच। आरडीजे का अमाउंट एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन सरप्राइज मत हो जाना जब पता चले कि एक बंदे के पीछे वो लोग जितना लगा रहे हैं उतने में हॉलीवुड की ही पिक्चरें, अखी पिक्चरें पूरी की पूरी बन जाएंगी। हाँ, वही एक बंदा बहुत सारी ऑडियंस भी लाने वाला है थिएटर में डेफिनेटली, लेकिन ये चीजें स्मूथली तब तक ही चलेंगी जब तक वो सूट बूट वालों को लगेगा कि इट इज वर्थ इट। उनमें से कुछ को अगर थॉट्स आने लगे कि एवेंजर्स का ब्रांड ज्यादा बड़ा है आरडीजे से या फिर मार्वल ने उनको बनाया, थिंग्स कुड गेट अगली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि कई लोगों के मुंह से मैं सुन चुका हूँ कि ये एक डेस्परेट मूव तो नहीं है, मार्वल इज गोइंग डाउन इंडिविजुअल मूवीज पे जो वो रिस्क ले रहे थे पे ऑफ नहीं हो रहा है, नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट है उसको कोई क्लियरिटी नहीं, कैंग एज मेन विलन एक दो बार दिख गया, इट इज अ हिट एंड मिस, और एक्टर ने जो रियल लाइफ में कांड किया वो तो ऊपर से ऐड कर दो। तो इसीलिए मार्वल ने वही बिग बैडी जिसको 2-3 साल से वो लोग सेटअप कर रहे थे मिटा दिया, उसी की पिक्चर डॉक्टर डूम को दे दी। वही अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा होता, डॉक्टर डूम को ऑप्शन भी होता उनके पास, तो क्या वो लोग आरडीजे को लाते? प्रोबेबली नहीं, लाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि चीजें अच्छी नहीं चल रही। और ऐसे में आपने अपनी सारी उम्मीदें एक इंसान के ऊपर लाद दी है कि भाई आरडीजे आएगा, पिक्चर मस्त बन जाएगी, ऐसे बनेगा, ऐसे कैरेक्टर आएगा, ये करेगा वो करेगा, बट इफ द मूवी इज नॉट गुड, या फिर जो मैसिव लेवल्स की हाइप लगा रखी है वहां तक नहीं पहुंचा, पिक्चर अच्छी है लेकिन थिएटर से निकलने के बाद ऐसा लगे कि इट वॉज नॉट वर्थ दी हाइप इवन थोड़ा सा, तो इट मे बैकफायर अ लॉट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लाया फिर भी नहीं कर पाए। तुमको आज ये चीज इम्पॉसिबल लग रही होगी कि भाई कैसे आरडीजे है, रूसो ब्रदर्स है, मार्वल है, चीजें गलत कैसे हो सकती है, लेकिन हम लोग मूवीज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है। ऊपर से एक सिंपल सा फैक्ट मत भूलो कि इतनी ज्यादा हाइप बिल्ड करना और उस पर डिलीवर करना इज सो 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 हार्ड, दैट्स व्हाट शी सेड। इन्होंने जो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के साथ करके दिखाया वो बहुत ज्यादा रेयर है, हर बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉजिटिव होप के रूप में एक ऐसी चीज है जो किसके फेवर में काम कर सकती है बहुत बड़े तरीके से। पिछले 4 सालों में जो हमने मूवीज देखी है Phase 4, Phase 5 की, उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी चीजें वो लोग प्रॉमिस कर देते हैं, ये आएगा, ये विलन होगा, ऐसी स्टोरी लाइन होगी, इट इज एपिक फलाना ढिमका, लेकिन जब मूवी का फिनाले आता है क्लाइमैक्स तो वो लोग अपने हाथ खींच लेते हैं। एंटमैन क्वांटम मेनिया, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इटर्नल्स, इन मूवीज की एंडिंग बहुत ज्यादा एपिक हो सकती थी अगर उन्होंने रिस्क लिया होता तो, डेयरिंग दिखाई होती तो, कुछ बड़ा करने का इरादा मेंटेन रखते, लेकिन यही जो मैं बड़ा करने वाली बात बोल रहा हूँ ना उसके लिए एवेंजर्स मूवीज एकदम परफेक्ट है। उसमें भी सीक्रेट वॉर्स वाली इज लाइक द बेस्ट बैटल ग्राउंड, तुमको किसी भी तरीके से कुछ भी होल्ड बैक नहीं करना, एकदम फुल ऑन 11 तक जाओ, सब खत्म कर दो, और मोस्ट लाइकली वो लोग पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट करने वाले हैं इस पिक्चर से, जिसके लिए आरडीजे को मेन विलन लाना ये चीजें खत्म करने के लिए इस पोएटिक, शुरू भी उसे नहीं किया था, खत्म भी वही करेगा। लेकिन बादल, इज देयर इनफ टाइम? डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा विलन है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, वन ऑफ द बेस्ट मार्वल के लॉर्ड्स में से, 2 साल में ही उसकी पिक्चर आ जाएगी, टाइम कम तो नहीं है। थानोस को देखो, 6-7 साल से वो लोग टीज कर रहे थे, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा उसने नहीं बोला। यहाँ पर मोस्ट लाइकली सिनेरियो कि सबसे पहले हम लोग आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में देखेंगे जो कि अगले साल आएगी, एकदम लॉजिकल सेंस बनाती है वो, क्योंकि तुमको फैंटास्टिक फोर लॉन्च करना, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश करोगे, उसमें इतना बड़ा कैमरा डालना बाकी पूरी पिक्चर को ओवरशैडो ना कर दे, लेकिन एकदम परफेक्ट है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर डूम्सडे रिलीज हो जाएगी, उसका भी टीज सेटअप सब कुछ हो जाएगा, और फैंटास्टिक फोर का जो लीडर है रीड रिचर्ड्स, उसका आर्च नेमेसिस है डॉक्टर डूम, दोनों की राइवलरी के हिसाब से भी इट इज परफेक्ट। लेकिन जो तुमको लग रहा है कि आरडीजे का कैरेक्टर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस डूम्सडे में होगा 2 साल के अंदर अंदर, टाइम कम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि थानोस का एग्जांपल ले लो, वो लोग भले ही 6-7 साल से उसको टीज कर रहे थे, लेकिन वो कैरेक्टर कैसा है, क्या चाहता है, क्यों चाहता है, ये सब कुछ अपने को इन्फिनिटी वॉर में पता चला था, एक मूवी उसको जानने के लिए, दूसरी मूवी उसको हराने के लिए। यही सेम एग्जैक्ट चीज डॉक्टर डूम के साथ भी काम कर सकती है, पहली पिक्चर उसकी बना दो डूम्सडे, उसकी खुद की मूवी एज अ विलन, जिसमें वो विलन नहीं हीरो है स्टोरी का, और दूसरी पिक्चर उसको हराने के लिए पूरी। तो टाइम कम है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन एक और चीज नोट करो, मोस्ट लाइकली उन्होंने आरडीजे एज डॉक्टर डूम सिर्फ ये 2 मूवीज के लिए ही लाया है, और ये मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट डिसीजन, शॉर्ट लेकिन एकदम ही इम्पैक्टफुल स्पेल होगा एमसीयू को अपने ग्लोरी डेज पे वापस लाने के लिए, और अगर दोनों मूवीज चल जाती है तो आरडीजे को कंटिन्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही समझ लो, क्योंकि उनकी फीस ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी मूवी में काम करने के लिए कम चार्ज करेंगे, और मार्वल के अंदर ही बाकी फ्रेंचाइज एवेंजर्स जितना बजट नहीं बना सकती। होपफुली आरडीजे की लेगेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तुमको क्या लगता है सबके बारे में कमेंट्स बताना, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब।